गुड इवनिंग एवरीवन। चालू करते हैं आज का कमोडिटी वेबिनार। इस पर्टिकुलर वेबिनार में हम समझेंगे कि बेसिक्स ऑफ कमोडिटी क्या है और कमोडिटीज को ट्रेड करने के लिए आपको बेसिक्स कौन सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि आप इस एसेट क्लास को ठीक तरीके से समझो। इस पर्टिकुलर वेबिनार में हम तीन चार मेजर चीज पे फोकस करेंगे। एक तो एक्सचेंज ट्रेड कमोडिटीज में क्या क्या कमोडिटीज अवेलेबल है हमारे पास, उसके अलावा इन कमोडिटीज के प्राइसेस कौन से फैक्टर्स के कारण चलते हैं, और मेजर इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस जो आपको जानने चाहिए अगर आपको कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है तो, और एंजल एज ए रिसर्च क्या ऑफर करती है जहाँ पे आप कमोडिटीज ट्रेडिंग काफी इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना इजी आसान हो सकता है। इसलिए एंजल के साथ बहुत सारे ऑफरिंग्स हैं जो आप यूज कर करके आप इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में अच्छे तरीके से रिटर्न कमा सकते हो। दो एक्सचेंज है मेजरली कमोडिटी ट्रेड करने के लिए। एक तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये सारी कमोडिटीज ट्रेड होती है। उसके अलावा एग्री कमोडिटीज में नेशनल NCDEX में ही काफी ज्यादातर ट्रेड होता है, जैसे कि गुआर गम, गुआर सीड, सोयाबीन, सोया ऑयल, CPO, ये सारे जो एग्री कमोडिटीज है वो नेशनल NCDEX पर ही ट्रेड होते हैं। तो फॉर आवर पर्पस अगर आपको नॉन एग्री कमोडिटीज में ट्रेड करना है तो MCX जो एक्सचेंज है इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हैं। एक्सचेंज अगर कमोडिटीज में ट्रेड करना है तो बेसिक क्लासिफिकेशन आपको जाना जरूरी है। जैसे कि प्रेशियस मेटल्स में बात करें गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक, लेड, निकल, एल्यूमिनियम, ये सारे कमोडिटीज आपको एक्सचेंज की तरफ से ट्रेड करने को मिल सकता है। एनर्जी काउंटर में अगर बात करें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये दो कमोडिटी अवेलेबल है आपको ट्रेड करने के लिए। एग्री कमोडिटीज में वीट, चना, सोयाबीन, सोया ऑयल, जीरा, टर्मरिक आपको ट्रेड करने को मिल सकता है। बिकॉज ये कमोडिटीज है और इनकी जो बेसिक्स है वो लॉट और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझना जरूरी है अगर आपको ट्रेड करना है तो। अगर कमोडिटीज आपको खरीदना है या बेचना है तो आपको बाय या सेल करने के लिए लॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे आप शेयर्स बाय करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स बोलते हैं 50 शेयर बाय करना है, 100 शेयर बाय करना है, वैसे यहाँ पे लॉट सिस्टम में काम होता है। और दूसरा जो है मार्जिन सिस्टम, अगर आपको कोई भी कमोडिटी में ट्रेड करना है तो मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है अगर आपको बाय करना है या सेल करना है, तो उसको मार्जिन सिस्टम कहते हैं, मार्क टू मार्क, एम टू एम कहते हैं। एम टू एम एक बिकॉज ये फ्यूचर्स एसेट क्लास है, यहाँ पे जो मार्क टू मार्क होता है वो डिफरेंस होता है जो भी आपकी बाइंग या सेलिंग पोजीशन होती है, अगर उसमें कोई भी डिफरेंस होता है तो आपको मार्क टू मार्क प्राइस पे आपका जो भी पोजीशन है क्लोज होता है। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है आपको एक ही टाइम पे अलग अलग एक्सपायरी डेट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल मिलते हैं अगर आपको बाय करना है या सेल करना है तो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे राइट ऑफ द स्क्रीन में, आपको अगर गोल्ड बाय करना है तो एक लॉट बाय कर सकते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पर 29,000 अगर भाव चल रहा है तो आपने एक लॉट बाय कर लिया है 29,000 पर 10 ग्राम्स का। हालांकि ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 1 kg का है, इसलिए आपका जो टोटल एक्सपोजर रहेगा वो करीब 29 लाख का रहेगा। बिकॉज ये मार्जिन सिस्टम में आपको 5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी 29 लाख का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो आपको 5% का अमाउंट देकर आपको गोल्ड ट्रेड करने को मिल सकता है। बिकॉज ये मार्क टू मार्क यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस सेटल होता है, अगर आपने 29,000 पे बाय किया है और जो ट्रेड क्लोज हुआ है 28,000 पे चला गया है, तो जो 1,000 का डिफरेंस है वो आपको एम टू एम में पे करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, लेकिन जो भी डिफरेंस है आपको मार्क टू मार्केट लगेगा। और बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे आपको एक टाइम पर अलग ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने को मिलते हैं। अगर गोल्ड की बात करें वैसे सारे कमोडिटीज के अलग अलग एक्सपायरी डेट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। बिकॉज ये कमोडिटीज है इसमें, इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि अगर 1 रुपए का मूवमेंट होता है कोई भी कमोडिटीज में तो वो आपको रुपए के टर्म्स में कितना दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड का जो एक 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको जो भाव दिख रहा है वो पर 10 ग्राम का होता है, लेकिन उसमें जो मूवमेंट होती है यानी अगर 1 रुपया गोल्ड में मूव होता है तो आपको प्रॉफिट या लॉस में 100 रुपीज आपको मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर 30 kg का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, इसलिए 1 रुपया अगर इस कमोडिटी में मूव होता है तो आपको 30 रुपीज मिल सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि मल्टीप्लायर क्या है। वैसे ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, इस जो भी बेसिक्स है आपको एक प्रेजेंटेशन में देखकर आप अपना काम कर सकते हो। वैसे ही कॉपर में 1 टन का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हर 1 रुपए के मूवमेंट पे आपको 1,000 रुपये मिलता है।
सिमिलरली क्रूड 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट है, हर 1 रुपए मूवमेंट में आपको 100 रुपए देखने को मिलता है। बेनिफिट्स है कमोडिटीज ट्रेडिंग के, हालांकि ये इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप बेसिक्स काफी अच्छे तरीके से जान लो और समझ लो। एक ट्रांसपेरेंट और फेयर प्राइस डिस्कवरी और मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको सारे स्क्रीन पे लाइव भाव देखने को मिलता है। तो मैनिपुलेशन का जो स्कोप है एकदम निल दिखता है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में। और जैसे इक्विटी में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, वैसे कमोडिटीज में भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 14 घंटे का मार्केट चलता है, यानी जो इंडियन मार्केट्स में करीब 10 बजे खुलता है और रात को 11:30 या 12:45 तक ये चालू रहता है डिपेंडिंग ऑन द डेलाइट सेविंग्स। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिकॉज हम ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करते हैं, जो भी प्राइस टिक्स चेंजेस होते हैं यहाँ पे वो टोटली लिंक होते हैं ग्लोबल मार्केट से, हेंस मैनिपुलेशन का स्कोप इसमें बहुत कम होता है। दूसरी और एक अच्छी बात यह है बिकॉज कमोडिटीज है ग्लोबली लिस्टेड है ट्रेडेड है, इसलिए इन कमोडिटीज को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है विद रिगार्ड्स टू डिमांड सप्लाई स्पेकुलेटिव पोजिशनिंग जो भी हो सब काफी आसानी से मिल जाता है, इसलिए कमोडिटीज को समझना रिलेटिवली ईजी है। हालांकि अगर आप बेसिक्स को ध्यान से समझो तो फिर आपको कमोडिटीज ट्रेडिंग काफी ईजी लगने लगेगा। कमोडिटीज को आप 3-4 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो आज इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप इक्विटी में करते हो, शेयर्स लेते हो और लेके बैठ जाते हो और एग्जिट करते हो, डिपेंड करता है कि आपका प्राइस फेवरेबल है या नहीं, वैसे आप कमोडिटीज को भी कर सकते हो। लेकिन इसमें डिफरेंस यही होगा कि इसमें मार्क टू मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपका मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे सेटल होगा। दूसरा जो है प्योर ट्रेडिंग बेसिस पे, यानी आज ही आपने पोजिशन के लिए आज ही स्कोर ऑफ कर दी डिपेंडिंग ऑन आपने बाय डाला है या सेल डाला है और आपके फेवर में पोजिशन है या नहीं। वैसे आप कैलेंडर स्प्रेड भी कर सकते हो, यानी साइमल्टेनियसली टू कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ओपन पोजिशन ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका एक्सपोजर्स और आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। जैसे कि मैंने पहले बताया बिकॉज ये मंडे टू फ्राइडे मार्केट है, सुबह 10 बजे खुलता है और रात को 11:30 या 11:55 से बंद होता है, डिपेंड करता है कि डेलाइट सेविंग्स कभी चालू हो गया है यूएस और यूके में। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 14 घंटे का मार्केट है और रिलेटिवली इजी करीब 6 से इक्विटी जो है 6 से 8 घंटे का मार्केट है, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम मिलता है ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा कमाने का मौका मिल सकता है अगर आपने राइट मूव अच्छे तरीके से पकड़े तो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कमोडिटीज को ट्रेड करना है तो 5% का मार्जिन आपको देके आप अपफ्रंट पोजीशन ले सकते हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में। जैसे कि मैंने गोल्ड में बताया गोल्ड का तो 1 kg वाला कॉन्ट्रैक्ट था, वैसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे आप 5% का पोजीशन देके 5% का पैसा देके आप अपने पोजिशन ले सकते हो। बिकॉज ये कमोडिटीज है और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग फैक्टर्स जो है कमोडिटी के प्राइस को चलाते हैं, तो जो मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स है वो है डिमांड सप्लाई सिचुएशन है। डिमांड सप्लाई सिचुएशन एक ऐसे इंटेंसिव फैक्टर है जो सारे कमोडिटीज के भाव को इन्फ्लुएंस करता है। वैसे ही गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसीज है वो भी काफी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया के ट्रेड पॉलिसीज अगर फेवरेबल में नहीं रहे तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मुश्किल हो जाएगा, हेंस कमोडिटीज को ट्रेड करने के लिए जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है और प्राइस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली वेदर काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको कमोडिटी ट्रेड करना है, तो इसलिए लगभग सारे कंट्रीज के अगर आपको अगर वेदर साइकिल्स पता है या फिर कौन से कंट्री में कौन सा वेदर चल रहा है डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपने बाइंग इंटरेस्ट या सेलिंग इंटरेस्ट मार सकते हो। इन दैट सेंस जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स है वो ड्राइव करेगा कमोडिटी प्राइसेस को। ये तो रहे मैक्रो फंडामेंटल्स की बात जहाँ पे सारे कमोडिटीज के भाव अफेक्ट होते हैं, हालांकि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो स्पेसिफिक कमोडिटीज को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप प्रेशियस मेटल्स ट्रेड करना चाहते हो, प्रेशियस मेटल ट्रेड करने के लिए आपको 2 चीज जानना बहुत जरूरी है, एक तो लेबर मार्केट यूएस में कैसे चल रहा है और दूसरा हाउसिंग सेक्टर की रिकवरी कैसे हो रही है। अगर दोनों सेक्शन अच्छा चल रहा है तो यूएस में जो पॉसिबिलिटीज है और ग्रोथ की इकोनॉमिक अच्छी ऑप्टिमिज्म दिखाई देती है, तो इन दैट सिनेरियो में गोल्ड और सिल्वर आपको दोनों करेक्शन के सिनेरियो बनते हैं। वैसे अभी जैसे कि यूएस में नए गवर्नमेंट आई है, नए गवर्नमेंट को पॉलिसीज को लेकर काफी अनसर्टेंटी बनी हुई है और वो अनसर्टेंटी धीरे धीरे आपको जाते हुए दिख रही है, इसी के लिए आपको प्रेशियस मेटल्स में इन दिनों में करेक्शन आते हुए दिखा है। हालांकि अभी प्रेशियस मेटल्स में काफी अनसर्टेंटी बची हुई आने वाले समय में जहाँ पे यूरोप में इलेक्शंस है और इलेक्शंस का आउटकम काफी हद तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को वापस उछाल सकता है। तो ये तो हुई प्रेशियस मेटल्स की बात जहाँ पे आपको हाउसिंग सेक्टर और लेबर सेक्टर दोनों का ध्यान रखना जरूरी है अगर आपको कमोडिटीज को ट्रेड करके बेनिफिट लेना है। तो बेस मेटल्स की बात करें तो चाइनीज इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना की इकोनॉमी है लगभग सारे बेस मेटल्स का इम्पोर्ट करती है और काफी इंपॉर्टेंट ड्राइवर है
बेस मेटल कंजम्पशन में अक्रॉस द ग्लोब। फिर चाइना की तरफ से कोई भी डेटा आता है, वेदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा हो, ट्रेड बैलेंस का डेटा हो, परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा हो, तो वो बेस मेटल्स के प्राइसेस को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। और जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर सप्लाई डिमांड का है, हैंस बेस मेटल्स में भी ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर सप्लाई और डिमांड का काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। और सप्लाई डिमांड नंबर्स कहाँ से भी आए, इंडोनेशिया से आए, फिलीपींस से आए या फिर चाइना से आए, काफ़ी हद तक काफ़ी मायने रखते हैं कमोडिटी के प्राइसेस को उथल पुथल करने के लिए। यूएस की तरफ से जो भी डेटा आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे बेस मेटल्स के जो प्राइसेस हैं उस पर इंटरडिपेंडेंट रह सकते हैं। वैसे ही हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में सप्लाई और डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मेजर प्रोड्यूसर्स, मेजर कंज्यूमर्स की तरफ से कोई भी बाधा या डिस्टर्बेंस आए तो प्राइसेस में काफ़ी उछाल दे या फिर नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रूड ऑयल में वो है ओपेक। ओपेक जो ये कंट्रीज है, ऑलमोस्ट लगभग 14 नेशंस हैं इन एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जहाँ पे करीब 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन यानी करीब 95 मिलियन बैरल्स का जो डेली प्रोडक्शन है उसमें से 1/3 क्लोज अराउंड 30 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन ओपेक नेशन ही प्रोड्यूस करती है। हैंस ओपेक की तरफ से जो भी न्यूज़ आती है, रिपोर्ट्स आती है, उसको क्लोजली फॉलो करना पड़ता है अगर आपको क्रूड ऑयल को समझना है और उसको ट्रेड करना है। अकॉर्डिंगली जियोपॉलिटिकल टेंशन से अगर अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी होते हैं तो जियो क्रूड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है और क्रूड में इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर काफ़ी प्राइस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुए मेजर फंडामेंटल जहाँ पे प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स, क्रूड ऑयल के फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि यहाँ से भाव ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हमने पहले बात रखी है, जहाँ पे आपको कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अगर यूएस की तरफ से जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, हाउसिंग डेटा है या फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ये तीन डेटा आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लोज वॉच रखना पड़ता है। इसी पर्टिकुलर डेटा के कारण प्राइसेस में काफ़ी उछाल और गिरावट देखने को मिल सकती है। हैंस यूएस की तरफ से जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आता है अगर हाई इम्पैक्ट हो तो आपको इस पर्टिकुलर डेटा को देखना जरूरी है। वैसे ही यूरो जोन की तरफ से अगर इकोनॉमिक जीरो इकोनॉमिक सेंटिमेंट जो जर्मनी की तरफ से आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और बेस मेटल्स पे काफ़ी अच्छा दबाव क्रिएट करता है अगर डेटा खराब रहा हो या फिर अच्छा रहा हो। सिमिलरली इंडिया की तरफ से जो क्रेडिट पॉलिसी होती है आरबीआई की, वो भी काफ़ी हद तक मायने रखती है, करेंसी मार्केट से इन्फ्लुएंस करती है, अकॉर्डिंगली हमारे कमोडिटी प्राइसेस को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकती है अगर क्रेडिट पॉलिसी फेवरेबल रहा या नहीं फेवरेबल रहा। तो वैसे ही आप देखोगे जापान और यूके की तरफ से भी जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कमोडिटी भाव को, कमोडिटी के प्राइसेस को। हेंस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हाई इंपैक्ट वाले हो तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि कौन से कंट्री से है और ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कमोडिटीज के लिए। इंडियन कमोडिटीज़ की तरफ से आपको इन टर्म्स ऑफ रिसर्च ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं, जो आपको सहायता कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। और जो मेजर स्टोरी चल रही है सारे कमोडिटीज़ में उसमें आपको पता चल सकता है हमारे डेली वीकली और मंथली रिपोर्ट्स में। ये डेली वीकली और मंथली रिपोर्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिव होता है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होता है और काफ़ी सरल शब्द में हम लिखते हैं इस चीज़ को ताकि आपको पता चले कमोडिटीज़ में ट्रेड करना कितना हद तक जायज़ है या नहीं है। उसके अलावा हम स्पेशल रिपोर्ट्स में निकालते हैं, जैसे कि दिवाली में एक बिलियन रिपोर्ट निकालती है जिसमें हम बताते हैं कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स कैसे हैं गोल्ड को लेकर या सिल्वर को लेकर, आपको कौन सी कमोडिटी बाई करना चाहिए दिवाली में, अगर आपको कोई पोजीशंस लेनी है तो फिर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये स्पेशल रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंसिंग होते हैं आपके ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। वैसे ही अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड आप करना चाहते हो तो टेक्निकल रिपोर्ट्स में भी हमारे पास डेली टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, वीकली रिपोर्ट्स हैं, मंथली रिपोर्ट्स हैं। इस पर्टिकुलर टूल के द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जो कॉल्स है वो कैसे चल रहे हैं, बाय साइड की स्ट्रैटेजी बनाई है या फिर सेल साइड की स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंगली आप इस टेक्निकल रिपोर्ट्स को देखकर आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है नॉलेज सीरीज। नॉलेज सीरीज एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको कोई भी कमोडिटी में इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए तो हम साल में एक बार निकालते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपकी जो बेसिक्स है काफी इंप्रूव हो सकते हैं। ये सारे बेसिक साइट्स हैं जो आप अपने लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड के लिए gold.org वाला साइट है, investing.com एक ऐसा साइट है जहाँ पे आपको लाइव भाव इंटरनेशनल में चलते हैं वो भी दिखते हैं और इंडिया में जो भाव चलते हैं वो भी दिखते हैं लाइव। उसके अलावा ICSG, ILSG ये जो साइट है यहाँ पे आपको बेस मेटल्स लेकर स्पेसिफिक जानकारी आप देखने मिल सकते हैं।
और अगर आप टेक्निकल्स को लेकर ज़्यादा जानकारी समझना चाहते हो तो www.bbbooks.com ये टेक्निकल स्टडीज के लिए काफ़ी अच्छा साइट माना जाता है। आप इस साइट में जाकर अपने टेक्निकल नॉलेज बढ़ा सकते हो। ये वेबिनार वैसे तो यहाँ पे आज खत्म होता है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो तो हम उस सवाल को आंसर करना चाहेंगे।